जयेशु सबोंगो, आज हम फिर से आपसे मिलते हैं कुछ खुशी के पल देकर। आज जिस तरह मैं और आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, उसी तरह हमें बनाने वाले ईश्वर भी चाहता है कि हम खुश रहें। लेकिन क्या सच में हम अपने जीवन में खुश हैं, या फिर जिसमें हम खुश रहते हैं वो हमारे लिए सच्चा आनंद नहीं है? आज मनुष्य का खुशी ज्यादातर किसमें है? किसी पार्टी में, दोस्तों में, फोन में या फिर नशे में? हर व्यक्ति तो जानता ही है कि उसकी खुशी किसमें है, लेकिन जरा सोचिए जिसमें आप खुश रहते हैं, जिसमें आप आनंद मनाते हैं, वो कब तक आपके पास रहता है? कभी कभी तो जिसमें हम आनंद मनाते हैं वो भी दुख का कारण बन जाता है, फिर से वही दुख, अकेला, निराशा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र Ephesians 3:4 में वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रभु में प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहे। वचन आज कुछ पल के लिए नहीं बल्कि हर समय प्रसन्न रहने के लिए कहता है। क्या हम प्रभु में प्रसन्न हर समय रह पाते हैं? प्रिय दोस्तों, हमारी आनंद प्रभु में होता ही नहीं, इसलिए हम निराशा में पड़ जाते हैं। और कभी हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन निराशा में है, या प्रभु हमें बनाकर भूल तो नहीं गया। जरा सोचिए, हमारे गुनाहों के कारण वो मर गया, हमें एक होने के लिए वो रोटी का टुकड़ा बन गया, तो हमें वो कैसे भुलाएगा? एक बार ईश्वर की ओर दृष्टि लगा कर देखिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रभु पे आनंद मनाने से आपको दुख नहीं होगा, लेकिन जब आप उसमें आनंद मनाते हैं तो आपका दुख आपका विनाश का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए माता मरियम के हम जीवन में देखते हैं, जब से उन्हें यीशु का जन्म होने का संदेश मिला, तब से लेकर माँ ने दुख को सहते आई और अपने ही बेटे यीशु का दर्दनाक मौत अपनी आंखों के सामने देखा। फिर भी वो वचन पर संत लूकास के सुसमाचार Ephesians 1:47 में कहता है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर पर आनंद मनाता है। प्रिय दोस्तों, हम भी दुख में होते हैं, निराशा में होते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर पर आनंद नहीं मना पाता है, क्योंकि हमारी आनंद, हमारी खुशी ये संसार की चीजों पर टिकी होती है, जो जल्दी ही नष्ट होता है और मन की शांति भी खो जाती है। निराशा में आप जब भी होते हैं तो ये जरूर सोचिए कि आपकी आनंद कहाँ था और कहाँ पर है, क्योंकि प्रभु का आनंद दुख में भी सामर्थ्य देता है। सब मिलकर प्रार्थना करना, उत्सव में खुशी मनाना तो सब कर लेते हैं, पर आप उसके लिए अकेले में क्या कर रहे हैं? आप अपनी ज्यादा समय कहाँ पर दे रहे हैं? यदि आप प्रभु में आनंद नहीं मनाते हैं, नहीं मना पा रहे और आपकी जिंदगी निराशा में है, तो इसकी वजह जरूर आप खुद हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल तो प्रसन्न रहने के लिए कहा, किसी और पर नहीं बल्कि प्रभु पर। हम इंसान होने के नाते मुश्किल हो जाता है प्रभु को हर समय ढूंढने के लिए, पर क्या करेंगे, ये मोह माया में बस थोड़े समय के लिए होता है और ज्यादा समय दुख दे जाता है। इसीलिए आज प्रभु को अपना आनंद का स्रोत बनाइए, जिससे आप मुश्किल की घड़ी में आप दुख का सामना कर सके, क्योंकि दर्दों को सहना ही सच्चा आनंद होता है। और जो आनंद आप प्रभु में मनाते हैं, वो आपसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकेगा, और प्रभु के आनंद में ही आपको दर्द सहने का सामर्थ्य मिलेगा, जैसा कि माता मरियम को मिला था। धन्यवाद, और आप सब जरूरी आप वीडियो